लखनऊ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक का आयोजन, सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। सीएम समेत सभी नेताओं ने मंच पर खड़े होकर वंदे मातरम गाया। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सीएम के पहुंचते ही सभी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया। कार्य समिति की बैठक को लेकर सीएम योगी ने संबोधित किया, कहा 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, भाजपा सरकार ने तमाम मिथक तोड़े। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा इन 8 सालों में देश ने बहुत सारे काम किए हैं, नई दिशा में आगे बढ़ा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना स्पष्ट दिखी है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि दोनों सदन में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत, नई सरकार का नया बजट सदन में पेश हुआ, 130 में से 97 संकल्पों को बजट में शामिल किया गया। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद पहुंचेंगे गोरखपुर। राष्ट्रपति के 4 जून के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा उनके पिता क्या ट्रेनिंग दिए होंगे जिनके नेता बचकानी हरकत गलत बयानबाजी करते हैं। नंदगोपाल नंदी ने कहा अखिलेश ने सदन में जो कहा उसकी पूरा प्रदेश और देश कर रहा है निंदा, इसलिए सपा को 2017 और 22 में नकार दिया जनता ने। इतना ही नहीं, नंदगोपाल नंदी ने कहा नकारात्मक सोच वाले लोग नकारात्मक बातें ही कर सकते हैं, विधायकों की समृद्धि के लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल बजट को बताया उन्होंने कल्याणकारी, कहा विपक्ष को अपना काम करना है, सीएम ने अखिलेश की हर बात का जवाब दिया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही नहीं, प्रदेश की प्रगति में सहभागी भी होना चाहिए। कैराना का जिक्र करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सपा सरकार में लोग भयभीत थे, कैराना में लोग चेतावनी देकर गोली मारते थे, केस तक दर्ज नहीं होता था। भाजपा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री का दावा, प्रदेश के विकास का संकल्प पूरा करेंगे, विपक्ष का काम विरोध करना, हमें नहीं घेर पाएगा विपक्ष। राम नरेश अग्निहोत्री बोले शिवपाल यादव सदन के वरिष्ठ नेता, उनकी तारीफ, लोकतांत्रिक प्रणाली का अच्छा उदाहरण, नेताजी के बाद शिवपाल में बचा है समाजवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले समाजवादी पूरी तरीके से फ्लॉप शो, चुनाव में जनता ने उन्हें नकारा, उनके कुकृत्यों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश के पास ना कोई नीति ना कोई एजेंडा, ना उन्होंने धरातल पर कोई काम किया, लोकसभा चुनाव में होगी और बुरी हालत। सपा विधायकों की ट्रेनिंग पर डिप्टी सीएम का निशाना, कहा वो लोहिया का नहीं अपना समाजवाद पढ़ाएंगे, लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक। सदन में शिवपाल यादव की तारीफ किए जाने पर बोले डिप्टी सीएम उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, शिवपाल जी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए सीएम ने की तारीफ। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म भाजपा के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए।